अव्वलन मुबारकबाद पेश करता हूँ शबे विलादत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की आप तमामी हजरात को, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मौलाना मीसम जैदी साहब का कि उन्होंने इस महफिल में हुक्म दिया और मैं हाज़िर हुआ, क्योंकि एक अजीब सा एहसास था। इसी वक्त आज मुझे नजफ़ हिंद में होना था लेकिन मैंने किसी वजह से वहाँ इनकार किया किसी मसरूफियत के तहत। बहरहाल खला था वो पुर हो गया कि इस बारगाह में हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। एक सलवात पढ़ें आप हजरात, अहमद मधे हाजिर में मतला समात फरमाएँ के मधे इश्क अबू तुराब सबब इस सबब से हम समात फरमाएँ। अरे हुजूर चंद मिनट की जहमत है जी, के इश्क अबू तुराब सबब इस सबब से हम महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से हम, के इश्क अबू तुराब सबब इस सबब से हम महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से हम। और यहाँ से शेर समाप्त फरमाएं के बिल्कुल नया सफ़र है सुए मिधते अली, समाप्त फरमाएं के बिल्कुल नया सफ़र है सुए मिधते अली, आगाज़ कर रहे हैं जो तेरा रजब से हम। बिल्कुल नया सफ़र है सुए मिधते अली, आगाज़ कर रहे हैं जो तेरा रजब से हम। शेर समाप्त फरमाएं हजरात के मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, समाप्त फरमाएं के मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम। हैं अली के वतन मुल्क हिंद है के मद्दा हैं अली के, हौसला अफजाई जरा नवाजी के मद्दा हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम। के उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम। और शेर समाप्त फरमाएं के हमसे अली की हद फजाइल न पूछिए, समाप्त फरमाएं के हमसे अली की हद फजाइल न पूछिए, इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से हम। हमसे अली की हद फजाइल न पूछिए के इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से हम। इस सिलसिले का ये आखिरी शेर के रोज़े जज़ा है, रोज़े जज़ा है कैसे करें उनका सामना, के रोज़े जज़ा है कैसे करें उनका सामना, वो उस तरफ अली हैं इधर हम अजब से हम। के रोज़े जज़ा है कैसे करें, के रोज़े जज़ा है कैसे करें उनका सामना, वो उस तरफ अली हैं इधर हम अजब से हम। और हजरत एक सलवात भेजें तो एक मतला और चंद शेर मोहम्मद मखसूस खानदानों में मौलाना का हुक्म है समाप्त फरमाएं कि एक सलवात भेजें आप हजरात, याददाश्त बहुत कमज़ोर है कि जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया, समाप्त फरमाएं मौलाइयों का मजमा है कि जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया, जिस वक्त कायनात को पैदा किया गया जहरा की अजमतों को वसीला किया गया,
कि जहरा की अजमतों को वसीला किया गया। अब हुस्ने मतला समात फरमाएं कि दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया कि दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, जहरा के कातिलों पर तबर्रा किया गया। दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, के जहरा के कातिलों पर तबर्रा किया गया। और हजरत की शेर समात फरमाएं कि जहरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल, तबर्रे का ये अमल, जहरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल मखसूस खानदानों में पैदा किया गया। जहरा के कातिलों का तबर्रे का ये अमल मखसूस खानदानों में। दो तीन मिनट की ज़हमत और है, समात फरमाएं। देखें हजरात, ये छः सात शेर हैं और हर शेर में कोई ना कोई ममदू है। समात फरमाएं कि धूप बख्शी, अभी साहिबा जफली साहब के यहाँ एक मिसरा हुआ था कि आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने, आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने। इस मिसरे के ज़ैल में शेर समात फरमाएं तौर से कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, समात फरमाएं कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। समात फरमाएं कि इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। यहाँ से शेर समात फरमाएं के पर्दा दार ऐसा के हैरान हैं मंजर सारे, के पर्दा दार ऐसा के हैरान हैं मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। पर्दा दार ऐसा के हैरान हैं मंजर सारे, के पर्दा दार ऐसा के हैरान हैं मंजर सारे, और ख़ुद के आईनों में ख़ुद को नहीं देखा उसने। शेर समात फरमाएं कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, के बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, अपना सब वक्त गरीबों में गुजारा उसने। बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, अपना सब वक्त गरीबों में गुजारा उसने। और हजरात के शेर समात फरमाएं कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, समात फरमाएं कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मोहम्मद मोहम्मद, के भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। और हजरत शेर समात फरमाएं कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, समात फरमाएं जहां जहां मोमिनीन हैं, कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। उसने दिखाना तो नहीं चाहता था, के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था। या के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था,
एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने, बेख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। और देखें हजरात के भी समाज फरमाएं, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने, और कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए, दो शेरों की और जहमत है कि कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए जेरे लहजा भी सजा रखा था लहजा उसने, कि कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए हौसला अफजाई कि जेरे लहजा भी सजा रखा था लहजा उसने। और देखें हजरात ये आखिरी शेर और दुआओं का मोहताज, के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, समात फरमाए कि इम्तिहान सब्र का था, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, के इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने, रख के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं था के इख्तियार अपने, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने, के इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सलवात भेजिए तो मैं कुछ मैं देखें अफराद किए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अच्छा अच्छा चलिए वो पेश करता हूँ, एक मतला और दो शेर के, एक मतला और दो शेर और। मतला समात फरमाएं कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, समात फरमाएं जहाँ जहाँ मुमिनीन है, कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, सामने कभी खैबर के सामने, कि खैबर खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कि खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, देखें हजरात की शेर के कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, और हैदर का जिक्र छेड़ के चेहरों को देखिए, कि हैदर का जिक्र छेड़ के चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने, चमकने लगते हैं मेंबर के सामने। और देखें हजरात याद नहीं है, और मैं एक मतला और दो तीन शेर बिल्कुल नए हैं और वो भी सब अच्छा जी, के दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर ज़ुल्फ़िकार, समाज फरमाएं सिलसिले का शेर, के दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर ज़ुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने, तस्वीर ज़ुल्फ़िकार, हामी यजीद के न रुकें घर के सामने। देखें हजरात हर साल ये जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं कम है, मेरी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शहजादी आलमयान सलामुल्लाह अलैहा हर साल
दो तीन शेर ऐसे ज़रूर अता फरमाती हैं जो इज़्ज़त में और इजाफे का सबब होते हैं। अभी रायबरेली में एक महफिल हुई, उसका मिसरा था अभी 23 जनवरी को कि पांच आइनों तक आ गई जौहर की रोशनी, तो इसमें 7-8 शेर कुछ मैंने वहाँ पढ़े, सब तो याद नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ शिरकत की गरज से आया था दर्ज कराने हाज़िरी। बहरहाल एक मतला और दो तीन शेर, उसमें ख़ास तौर से वो दो शेर मैं ज़रूर पेश करना चाहता हूँ, समात फरमाएँ, उसके बाद आप लोगों से दुआओं का तालिब हूँ। समात फरमाएँ, इंशाल्लाह पसंद फरमाएंगे कि एक सलवात और भेजें आप हज़रात। कि वो ज़ुल्फ़िकार हैदर सफदर की रोशनी, कि वो ज़ुल्फ़िकार हैदर सफदर की रोशनी, पस मंज़रों में है अभी मंजर की रोशनी। शेर समात फरमाएंगे कि पस मंज़रों में है अभी मंजर की रोशनी, और हज़रात शेर समात फरमाएं शेर ख़ास तौर से कि शहज़ादी की अता, कि मिल ही गई नबी को वो हैदर की शक्ल में। समात फरमाए जहाँ जहाँ भी मुमिनीन है, कि मिल ही गई नबी को वो हैदर की शक्ल में, जहरा तुम्हारे कद के बराबर की रोशनी। मिल ही गई नबी को वो हैदर की शक्ल में, कि जहरा तुम्हारे कद के बराबर की रोशनी, कि मिल ही गई नबी को वो हैदर की शक्ल में, जहरा तुम्हारे कद के बराबर की रोशनी। शेर समात फरमाएं हजरात, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप हजरात कि अगले बरस फिर आएगी माहे अज़ा के साथ। समात फरमाएं जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं, कि अगले बरस फिर आएगी माहे अज़ा के साथ, अपने वतन गई है मेरे घर की रोशनी। माहे अज़ा के साथ अपने वतन गई है मेरे घर की रोशनी। ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं। अगले बरस जी, अरे नहीं और लोग भी हैं, चलिए वो आखिरी हैं जी, जी। जो करबला में मिला है, चार मिसरे आखिरी, कि जो करबला में मिला है जी, शुक्रिया बहुत बहुत, कि अगले बरस फिर आएगी माहे अज़ा के साथ, कि अगले बरस फिर आएगी माहे अज़ा के साथ, अपने वतन गई है मेरे घर की रोशनी, कि अपने वतन गई है, और लोग भी हैं समझा लीजिए। हाँ, चार मिसरे समात फरमाएं, कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला, कि जो करबला में मिला है हमें सरे आशूर, वफा का ऐसा कहीं और सिलसिला न मिला, और खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, खड़े थे शाना बशाना हुसैन के साथी, हवा को बीच से जाने का रास्ता न मिला, हवा को बीच से जाने